सामने आगे आगे रख दी, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, ये आगे भाई 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 ऐसे एंबुलेंस जो है आगे 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 भारती जी आगे आओ जी 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 एक सेकंड भाई रुको यार मेरे ऊपर है भाई 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 बूम बूम एक मिनट अरे रुक जाना एक मिनट अरे लगा मत देना अरे बूम नीचे करो बूम अशोक सर बताएंगे और कल फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके आगे पुलिस का सिग्नेचर और ये एक बहुत बड़ी जीत है वो जो सच्चाई से छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पुलिस कस्टडी में रहता तो शायद सारी बातें वो आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई और कल फिर जो है उसको रिमांड पे डेफिनेटली लिया जाएगा और कल शुक्रगुजार हूँ अशोक जी की फाल्गुनी की वाहिद भाई सभी हमारे पीपीए सभी जितने भी एडवोकेट्स हैं आज अभी अभी जो एक खुशी की उम्मीद और एक सच्चाई की जीत जो अभी मुझे मिली है मैं जज साहब दिलों से जज साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक महिला को जिसमें पीड़ित हूँ मैं मुझे न्याय मिला है अभी अभी कल मैटर है वहाँ से आता रोड जैसे आगे को पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेश करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है अशोक साहब है यहाँ पर फाल्गुनी है पीपीए सब लोग हैं और ज़रूर झूठ हारेगा और सच जीतेगा मेरा विश्वास है। ऐसे में जो मैसूर पुलिस मैसूर कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उनके ट्रांसफर का उसका क्या होगा? उसका ऐसा है जब तक बॉम्बे की पुलिस की कस्टडी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको कस्टडी नहीं दी जा सकती तो जैसे ही बॉम्बे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसके बाद जो है कोर्ट उनको परसों